नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों ने रुकी हुई मजदूरी और कार्ड में एंट्री की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्राम शेरनगर कुकड़ा में मनरेगा के तहत कार्य करने वाली दर्जनों से ज्यादा मजदूरों ने पिछले कई वर्षों का बकाया भुगतान और मनरेगा की कॉपी में एंट्री न होने के कारण जिला प्रशासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सविता है जी। कहाँ रहती हो? गांव शेरनगर। क्या मामला है जो आज यहाँ आई हो? हमारा ये मामला है जी, हमें 3 दिन ब्लॉक में जाते हुए हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम 3 साल मनरेगा में काम करते हुए हो गए, हमारी कोई जॉब कार्ड में कोई हाजिरी नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। जो हम उन लोगों से कहें गाड़ी गलोच करा, इग्नोर कर दे हमारी बात। कौन करता है गाड़ी गलोच? एक सुशील कुमार है जो गाड़ी गलोच कर रहा है हमारे साथ। काम करता है वो अभी भी? अभी भी काम कर रहा है जी। कौन से ब्लॉक में? कुकड़ा ब्लॉक, सिकटरी के पास में रहता था लोग के वो। हमने सिकटरी साहब को भी कहा, वे भी इग्नोर करते रहे हमारी बातें। 3 साल हो गए हमें इस तरीके से ही परेशान होते हुए, कोई जॉब कार्ड में कोई हाजिरी नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी वे बिल्कुल। अभी आप अधिकारी से मिली हो? हाँ। एडीएम से क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ब्लॉक में जाकर पता करियो, तुम्हारी सुनवाई होगी, हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ जी, ये मेरी लेबर है, मेरी नॉलेज में काम करा है, सुबह शाम मेरे घर पर आती हैं। मेरे घर में कई बार लड़ाई भी होगी इस बात काम के ऊपर जी। मैं ये चाहती हूँ, एक तो इनका हिसाब फाइनल होना चाहिए, कितने इनके पैसे रह रहे, कितने उनके रह रहे। दूसरी बात, इनके जॉब कार्डों में हाजिरी चढ़नी चाहिए, बदतमीजी से कोई हमारे साथ पेश ना आना चाहिए। जिस टाइम तक का काम है हम उस टाइम तक काम करेंगे, हम फालतू काम नहीं करने के जी। जिस टाइम तक मनरेगा में टाइम है उस टाइम तक हम काम करेंगे। कितने समय की? ये लोग हमें 6-6 बजे तक काम करते रखे हैं जी। कितने समय की तनख्वाह रुकी हुई है? हमारे कुछ के पैसे आ रहे हैं जी, कुछ के रुक रहे हैं। कितने समय? किसी के तो 3 सालों से हिसाब किताब फाइनल नहीं हुआ जी, तो हम क्या बता देंगे जब 3 साल से हमारा हिसाब किताब नहीं हुआ ठीक से। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।